17 मई को लॉकडाउन 3 की मियाद खत्म हो रही है और अब चौथे लॉकडाउन को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस बीच भोपाल से खबर, जहां पर चौथे लॉकडाउन को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें कई रियायतें देने का फैसला हुआ है। सबसे पहली रियायत यही है कि जो प्राइवेट ऑफिस हैं वहां पर 33% स्टाफ के साथ अब ऑफिस खोला जा सकेगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी चालू की जाएंगी। इससे पहले ये रियायत नहीं दी गई थी, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में रियायत दी गई थी। इसके अलावा सबसे बड़ी रियायत ये है दुकानदारों के लिए कि सप्ताह में एक या दो दिन अब दुकान खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। कपड़ा दुकान और कमर्शियल दुकानें पहले की तरह बंद ही रहेंगी। पेजल गार्डन पार्क में काम करने की परमिशन दी जाएगी। होम डिलीवरी पार्सल सप्लाई की अनुमति को भी मंजूरी दी जा सकती है। दरअसल कलेक्टर ने मैनेजमेंट ग्रुप की एक बैठक ली है जिसमें तमाम फैसले लिए। संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर, सीधे उनका रुख कर लेंगे। वासु, भोपाल से ये महत्वपूर्ण खबर, जहां पर चौथे लॉकडाउन को लेकर एक जो खाका है वो तैयार कर लिया गया है, इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, क्या रिलैक्सेशन मिलने जा रहा है? बिल्कुल रोमिता, देखिए अब जो हम चौथे लॉकडाउन की तरफ मूव कर रहे हैं, हमने कोरोना संक्रमण को पूरी तरीके से तो नहीं हराया है, लेकिन इससे लड़ाई हर स्तर पर जारी है। अभी हमने कल देखा कि जो रिकवरी रेट की रिपोर्ट आई है भोपाल की, वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। 61% से ज़्यादा भोपाल में तेज़ी से रिकवरी हो रही है, ऐसा रेट और कहीं नहीं है। इसके चलते ये जो बैठक ली गई कलेक्टर के द्वारा, इसमें जो आपदा नियंत्रण जो मैनेजमेंट ग्रुप है उसके तमाम जो अधिकारी थे, सदस्य थे, वो सभी मौजूद रहे। और लॉकडाउन के साथ साथ अब आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना काफी महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि पिछले दो महीने करीब करीब होने जा रहे हैं और सब कुछ पूरी तरीके से बंद है। ऐसे में लोगों को भी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इसके तहत अब भोपाल में धीरे धीरे जो गैर जरूरी सामान की दुकानें भी हैं उनको भी सप्ताह में एक दो दिन खोलने की अनुमति दी जाएगी, ताकि जो उनकी आर्थिक गतिविधियां हैं वो बढ़ाई जा सके। इसके अलावा जो प्राइवेट दफ्तर पूरी तरीके से बंद थे, अब उसमें भी रोस्टर प्रणाली के तहत काम किया जाएगा। 33% लोग अपने दफ्तर में आकर काम कर सकेंगे और इसमें भी रोस्टर प्रणाली लगाई जा सकती है। इसके पहले ये प्रणाली जो सरकारी दफ्तर है उनके लिए अभी तक उपयोग की जा रही थी, अब प्राइवेट दफ्तरों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि जो पैच वर्क होना है, निर्माण कार्य है, वो भी काफ़ी ज़रूरी हो गया था, क्योंकि पिछले दो महीनों से लॉकडाउन होने के कारण जो स्थिति बिगड़ी थी अब उसको ठीक भी करना है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु इस बैठक में निकल के सामने आया है। इसके बाद जो कपड़े दुकान है, जो सैलून है, फिलहाल उनको खोलने की छूट नहीं दी जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कपड़े की जो दुकान है वहां पर जो ग्राहक पहुंचते हैं वो ट्रायल करके देखते हैं और ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। इसके मद्देनजर कपड़ा दुकानों को अनुमति नहीं दी गई है। सैलूनों को लेकर भी अभी कोई फैसला कलेक्टर के साथ जो बैठक हुई है उस पर नहीं आया है, लेकिन जो तीसरा लॉकडाउन था उससे कुछ और ज्यादा रियायतें इस चौथे लॉकडाउन में देखने को मिलेगी। हालांकि जो कंटेनमेंट एरिया है, जो हॉटस्पॉट जोन है, वहां पर हालात पहले की तरह ही सख्त रहेंगे, वहां पर सारी चीज़ें बंद रहेंगी, क्योंकि जो संक्रमण है वो और ना बढ़े। और जो भोपाल का ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोरोना का केंद्र है वो भोपाल का जहांगीराबाद इलाका है, तो इसके मद्देनज़र एहतियात भी बरते जा रहे हैं और सख्ती भी पहले से काफ़ी ज़्यादा होगी। रोमिता, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से पहले से कहा जा रहा था कि इस बार लॉकडाउन 4 पहले के लॉकडाउन से अलग होगा, ऐसे में कुछ रियायतें देने का फैसला लिया गया है, लेकिन कंटेनमेंट एरिया में पहले की तरह सख्ती जारी रहेगी।